अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक? तो भाई लेकिन और मतलब ही, ये हम दो ट्रैक सुनने वाले हैं और व्यू स्टोरी करने वाले हैं। मेरे टट्टे फंस गए मैच, तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि JJ47 क्या लेकर आया अपने फैंस के लिए। बाबा जी छोटी छोटी चीजें ना फोकस करो, तो मैं बोलता नहीं क्योंकि मैंने बकचोदी टाइप व्यू स्टोरी, बट ये री आर्ट्स कौन है भाई? मतलब मैं ऑलमोस्ट सारे ही आर्ट वर्क को जानता हूँ, ये री आर्ट्स या तो कोई और रीनेम किया है या पता नहीं क्या, ये नया है या मेरी नजर में नहीं आया। मतलब आर्ट वर्क वो कर रहा है, कई लोगों को भाई क्रेडिट नहीं मिलता भाई। मैंने कई लोगों के नाम है मैं ले सकता हूँ, लोग क्रेडिट नहीं देते, पैसे नहीं देते आर्ट वर्क का, और पाकिस्तान में आर्टिस्ट और ये जो कमा रहे हैं वो भी नहीं देते। तो लाना था तुम्हारे पे दो भाई दो, हम व्यू चोरी करते हैं तो हम बोलते हैं हम व्यू चोरी कर रहे हैं, तो क्रेडिट दिया करो, तो अच्छा लग रहा है, क्रेडिट भी और पैसा भी। मैं रोज सोचू दिल की सुनू या फिर करूं जो भी सही मुझे लगता, यहां पर मैं जैसे एक रास्ते पे चल रहा, मैं रोज सोचू दिल की कहूँ या जो चल रहा है यहाँ पे मैं वो, ओ मेरे खुदा या, ये कितना रिलेटेबल होगा जब स्पेशली जो हम जैसे इंसान है जो इस उम्र में होंगे, है ना, यू नो जब ये यही उम्र होती है जुनून और खून इस वक्त गर्म होया होता है, तो इस हीट में ही पता चल जाता है एक सर्टन एज होती है 30-35 तक कि आप अभी भी स्टेप होता है, इसके बाद मेजोरिटी लोग डाउन हो जाते हैं, 40 से बाद तो वैसे ही बंदा फाड़ हो जाता है। या फिर करूं जो भी सही मुझे लगता, यहाँ पर मैं जैसे एक रास्ते पे चल रहा, जिंदगी लेके चली जा रही जहाँ पर, कि मंजिल अब दूर भी लगे दिल चूर भी लगे, आसानियां कहाँ पर हम सीखे सब सीने में रखना, तभी आए कुछ ना कभी भी जबान पर। मैं किसी से अब लड़ता नहीं हूँ, पर ये भी नहीं कि लड़ नहीं सकता, मैं साथ लेके चलता हूँ सबको। यार आप लोग ना महसूस करते हो इन लफ्जों को, लाइक सिंपली बताया जाए कि मैं लड़ सकता हूँ पर मैं लड़ता, इट जस्ट हम जैसे मैं अपना बोलता हूँ, मेरे आगे ना बड़े लोग फट गया मारते, स्पेशली यार यूट्यूब पे जब मैं देखता हूँ ना, उफ, मैं इसलिए सोशल मीडिया यूज नहीं करता। फनकारियां मैं सिर्फ बताना चाहूँ, आप किसी भी फील्ड में होंगे, इंजीनियर होगा, कोई छोटा कारोबार बड़ा होगा, भाई लोंडे जो है ना, मैं जहाँ तक फील किया हमारा ना, हमें ये नहीं चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, हम ये नहीं है कि हम लड़ नहीं पाएंगे, जस्ट कि हम ना यार अपनी उलझनों में पड़े होते, तो हम कहते हैं कि यार ये अब इससे क्या, मतलब एक ना समझ इंसान है, उससे हम लड़के अपनी जिंदगी को क्यों एक और मुसीबत में डाल देते हैं, हम इतने कांडों में पड़े होते हैं यार, वो कि नहीं दिल करता भाई इन लोगों को भी टाइम दे। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं बुजदिल, बुजदिल की बात नहीं है ब्रो, ठीक है ना, सिर्फ पेड़ मारो 2 मिनट में बंदा मरता है, इसमें कोई पिस्टल पुस्तल की भी जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट भाई ये नहीं है, हम वो चीज़ नहीं है, हम यहाँ पे ये करने नहीं आए भाई जिंदगी में कुछ अपने लिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अपने लिए, बाद में बाकी माँ बाप ये सब बाद में आते हैं, अपने लिए कुछ कर तो नहीं पहले, हमारे ऊपर टेंशन है भाई, चीज़ें हैं, तुम समझ रहे हो, तो ये काफी रिलेटेबल चीजें हो जाती हैं भाई। पर ये भी नहीं कि लड़ नहीं सकता, मैं साथ लेके चलता हूँ सबको, तो तेरे लिए क्या कुछ कर नहीं सकता, समझ रहे हो भाई, ये रस्म और रवाज मेरे बस में ना, मैं रिश्ते पकड़ नहीं सकता, तू झूठ बोले रात तू सकून में थी, क्या मैं चेहरे पढ़ नहीं सकता, तुझे देख अपने आप को देखता, बैकी हुई रात में शराब को देखता, मैं तुझ में फिर ऐसे ही अजाब को देखता, जैसे गुनाहगार शख्स हिसाब को देखता, कांटों में लिपटे गुलाब को देखता, बदता हुआ मेहताब को देखता, तेरी बातों में मेरी ये शाम में गुजरे, सोए बिना कैसे इस ख्वाब को देखता, तो लो हार मान। एक इंडिविजुअली आप फील करें कि दुनिया में हम इतने फसाद और इतना हमें दबा दिया हुआ है कि हम कोशिश ये करते हैं कि लाइक जिस तरह कांटों में लगे हुए गुलाब को देखना, हम पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यार हम कितने, यार कितने फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को हम लोग निकाल रहे हैं। वो इमरान खान ने एक स्पीच में बोला था भाई, हम तो हैं भाई, हम तो इमरान खान भाई ठोक के बोलते हैं, सीधी बात, वही भी कोई मसला है, तो उसे फोटो निकाल के दिखाई दे रहे कि बच्चे को हम किस तरह मेंटली तौर पर लेकर जाते हैं, उसके ऊपर बाद में खोल के देखी चीज़,
भाई हम क्या कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने साथ भाई किधर फुदू मुल्क में, लेकिन हम नए और बड़े परेशान नए। अब तेरे शहर चक्कर लगा है लेकिन बन के अनजान आए। हम तुझसे दिल की बातें करते करते अक्सर गुमान आए। जो तुम घर बन के मेहमान आए तो जान मेरी जान में भी जान आए। क्या तुम भी कभी बैठे बैठे मेरे बारे यूं ही जो भी चाहे दिल में उल्टा सीधा सोचती हो? क्या तुम भी कभी कभी कुछ कहने को चाहो पर बेवजह खुद को यूं टोकती हो? क्या तुम भी इसी हाल में हो? ये तुम भी बेहाल सी हो? तुम समझ एक भाई सिंपली लव सॉन्ग है एक तरह से बनाया, जिसमें लव सॉन्ग तो नहीं मैं कह सकता, एक इंसान की कैफियत के ऊपर है। मुझे इस तरह के लव सॉन्ग फिर बर्दाश्त होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ना यार ये लोलो पोपो नहीं होता, ये होती है इंसान की कैफियत, और कैफियत को बयान करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है ना, मैं स्कूल में था, तुम गिर पड़ी थी, तुम्हारी लुल्ली कट गई थी, लुल्ली तुमने दे दी थी, मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लगती, ये क्रिंजी हो जाता है चीजें। भाई इंसान के जज्बात को रखना मैटर करता है, जैसे मैं कई जगहों पे नहीं रख पाता, शायद इस जगह पे भी ना रख पाऊं, तो जज्बात को रखना ना बहुत मैटर करता है। वो JJ47 फिर बोलूंगा सादा पोइट करता है, लेकिन उस पोइट्री में इतने बेसिक जज्बातों को, इमोशंस को अपने पेन से बयान करता है ना भाई, वो समझ में ना आती हो तो मैं से सवाल सी हो। वाह मैं तेरे लिए गाने लिखूं, गुमाने लिखूं, अफसाने लिखूं, अब जो तू लिखने का कह दे तो बैठ सब तेरे सिराने लिखूं। मैं तुझे कभी अबे ये देजा वो हुआ था मेरे साथ, ये मैंने कहीं देख, ये मेरे ख्वाब में आया था भाई। अबे सही बात है, मेरे ख्वाब में आया था भाई, ये क्या हो रहा भाई? भी अपना लिखूं, कभी सपना लिखूं, कई बहाने लिखूं, तुझे सोच पीने का सोचूं, या तुझे मेखाने लिखूं। ये कला मुझे बोझ लग रही थी, ये कला मेरी दोस्त बन गई है। जो रातें मुझे काटने को दौड़ती, वो रातें अब जैसे एक मौज बन गई है। अरे भाई मेरे को रोकना पड़ेगा भाई, ये तुम्हें इस तरह का फ्लो, ये कहाँ पे था, ये अंजुम ने किस गाने के अंदर ये फ्लो यूज किया था यार? ये रोटी, ये रैप मेरा क्या था यार, मेरे को लिरिक्स क्यों भूल गए यार? ये रैप मुझे रोटी दे रही है, ये कुछ इस तरह पेट भर रही है, ये सेम चीज अंजुम ने की थी भाई। अंजुम ने की थी या किसी, अंजुम ने की थी मेरे ख्याल से, ये रैप, ये चीज मेरा पेट भर रहा है, कुछ इस तरह था यार। जो रातें मुझे काटने को दौड़ती, वो रातें अब जैसे एक मौज बन गई है। अब मेरी कैसी सोच बन गई है कि तू ही मेरी खोज बन गई है, कि अब तुझे लिखते रहना ये आदतें अब रोज बन गई है। अब मेरे नाम के नारे लगते, ये काम मुझे सारे तुम्हारे लगते, लोग ढूंढे मुझे कैसे मेरे घर तक पहुंचे, मेरे पीछे कोई खुफिया इदारे लगते। तू बैठी रोज अक्सर शाम में तकती, जैसे घर को कोई तेरे किनारे लगते। ये लव ये तुझ पे भी भारी, जैसे तुमने भी दर्द में गुजारे लगते। वाह तो लो हार मान आए और बड़े परेशान आए। अब तेरे शहर चक्कर लगा है लेकिन बन के अनजान आए। हम तुझसे दिल की बातें करते करते अक्सर गुमान आए। जो तुम घर बन के मेहमान आए तो जान मेरी जान में भी जान आए। क्या तुम भी कभी बैठे बैठे मेरे बारे यूं ही जो भी चाहे दिल में उल्टा सीधा सोचती हो? क्या तुम भी कभी कभी कुछ कहने को चाहो पर बेवजह खुद को यूं टोकती हो? क्या तुम भी इसी हाल में हो? ये तुम भी बेहाल सी हो? तुम समझ में ना आती हो, तुम ऐसे सवाल सी हो। वाह क्या बोले भाई, शुरुआत हुआ एज ए इंडिविजुअली किसी पे और अपने ऊपर, और बाद में एक मोहब्बत का गाना बन गया। यार जस्ट मैं तुमने ये बता दूं, मुझे पता है कि तुम लोग समझोगे नहीं, थोड़ा मैच्योर होकर बात करो ना तो कोई समझता नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं ना कांटू ही लगना चाहिए, यही बेहतरीन है। जस्ट भाई अगर तुम किसी भी सर्कल में हो, और किधर गया यार गाना, तुम अगर चाह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत हो और ये हो, तो कभी जिंदगी में खुद ना छोड़ना,
वो छोड़ दे, चाहे लड़का हो लड़की हो, तुम ना छोड़ना, क्योंकि फिर ना तुम्हारे, मैं नहीं चाहता रिग्रेट हो कभी जिंदगी में। और लोग कहते हैं कि नहीं होता, जब होते हैं ना रिग्रेट तो ये बाबे लोग फिर बन जाते हैं, फिर ये इस मस्जिदों में सबसे पहले सस्ते कर रहे थे। किसी की दिल आजारी ना करना भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, मोहब्बत में नहीं या किसी और चीज में भी ना करना, बेहतरीन होगा, नहीं तो कर लोगे तो कर लो, मेरा क्या जाता है। मतलब जे 47 चलो भाई। पहाड़ों को रखा, जमीन से भी ऊपर सितारों को रखा, खुश भी उसने सारों को रखा, रब ने संभाल अपने प्यारों को रखा। सुना आजकल पढ़ने लगी हो, मैंने घर पे तभी अखबारों को रखा। तेरे दिल में भीड़ क्यों लगी है, अरे आश्रय में कितने बिचारों को रखा। उदास बड़े हैं तभी ग्लास भरे हैं, हम ऐसे तो नहीं तेरे पास खड़े हैं, अभी बदन पे भी चंद ही लिबास चढ़े हैं, तुम्हें एहसास हमें एतराज बड़े हैं। नौ तेरे लिए लिखने को आया तो पता चला मुझे अल्फाज बड़े हैं, माना के हम तेरे खास बड़े हैं, तभी कहने को ये अंदाज बड़े हैं। तो फिर कैसे ये हमारे इम्तिहानी होते, तुम देखते हो हर सु कहानी होते, दिल लगता नहीं तुम जहानी होते, देता को ये दो गाने मैं सुन रहा हूँ, दोनों के लिरिक्स की पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल जो लय है वो एक जैसी है, बट हम सेम दो गानों को सुन रहे हैं, एक में थोड़ी बीट डल थी, मतलब ऑब्वियसली फंटेस्टिक बहुत वधिया खुर्शीद पुत्र पापा है हमारे, लेकिन ऑब्वियसली उसका गाने का जो थीम था उसमें थोड़ी डल रखी हुई थी और बीट, और इसके अंदर थोड़ा पंपी करके करा दिया। को दिला से परेशानी होते, जिंदगी बसे जैसे पतझड़ में, तुम खिलते हो जी में बहारों की तरह, हम तेरे लिए वक्त क्या निकाले, तू दिखती हो कम मेरे यारों की तरह। पहली बात हम मिलते हैं कभी कभी, दूसरी बात ऐसे मिले जैसे अजनबी, तीसरी बात के अब बात होगी बाद में, get what you need अपना सोचते सभी, तो तुम भी हुए मतलबी और मैं भी हुआ मतलबी, कैसे पूरी रात गुजारी तेरी याद गुजारी, और तुम आए हो अभी बा, लोग अदाकार तुमसे रोके मिलेंगे, बेमतलब बड़े धोखे मिलेंगे, कैसे शख्स तेरे होके मिलेंगे, तुम्हें हम ना मिलेंगे लेकिन मौके मिलेंगे। I don't know भाई, मेरे सेल में जोके क्यों आ रहा था भाई, भाई आ रहा था, तुम सुन रहे थे, तुम्हारे सेल में जोके आ रहा होगा भाई, जो मर्जी हो जाए भाई आ रहा था, भाई आ रहा था बहुत जोर का आ रहा। कैसे शख्स तेरे होके मिलेंगे, तुम्हें हम ना मिलेंगे लेकिन मौके मिलेंगे। हम तुझसे क्या कुछ नहीं कहते, ये गुजरी है बात भी गुमा से पहले, क्या निकले हैं लफ्ज ये जबान से पहले, मर्द रख ही नहीं सकता कुछ माँ से पहले, वाह गर्मी है बाहर मेरा पैर ज... ये सच है ये भाई, देखो मैं थोड़ी सी बात करूंगा, इस चीज को समझ लेना, आज क्या हो रहा है भाई, सीरियस चीजें हो रही है। ये सच है कि हम मर्द जो है ना वो माँ को पहले रखता है, ऑपोजिट जेंडर, जेंडर हमेशा अट्रैक्ट होता है और मोहब्बत में होता है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोल दूं, इसमें इजाफा ये कर दूं कि यार बाप को भी ना जरा पूछो, क्योंकि हम, मैंने जब से कमाना शुरू किया ना तो मेरे को समझ आना शुरू हो गया कि मेरे बाप की क्या एक मैं आ रहा, उस बेचारे की सिर्फ इज्जत इस बिना पे है कि वो कुछ कमा के देता। हम मर्दों की सिर्फ ये इज्जत है कि हम कुछ कमा के देते हैं, अदरवाइज कुत्ता भी ना पूछे हम पे, पेशाब भी ना करे वो। तो जो लड़के हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस चीज़ को करो, नहीं करते हम, मैं खुद बहुत ज़्यादा माँ की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरा तो बैटरी चार्ज होती है कि माँ की चोली पे सिर रख दिया, यस हो गया, ठीक है ना, और वो एक नेचुरल, ठीक है ना। बेटियाँ ज़्यादा बाप की तरफ होती हैं क्योंकि उनको, क्योंकि औरत के अंदर शायद एक चीज़ है कि वो पैसे से ज़्यादा होती है तो उसको नज़र आता है, बेटी की नज़र से वो देखती है बाप को कि यार वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम वो चीज़ें नहीं करते, हमें प्यार चाहिए, हमें दुनिया का जन कह रहे कुत्तों कुत्ती हो के जब एक घर आते हैं तो जब औरत माँ बन जाती है तो वो चीज़, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक कुदरत का निज़ाम है, लेकिन हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो बाप करता ना, इतना भी नहीं कर सकते भाई। मैं कोई डिसिप्लिन, बहुत अच्छी बात की है बट इस चीज को हमें दिल में रखना चाहिए, वो उसको एक कमरा दे दो, बल्ब दे दो, वो जिंदगी गुजार लेगा, वो
लाखों रुपया मोबाइलों में तुम्हारे लगा देता होता है, तो थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। मुझे आती है, तेल लगी, समझ आई, तो कोशिश करते हैं कि इसका वापस 100% दें। तुमने से कई लोग देते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी देते होंगे। जो नहीं देते उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बाप को बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में चल रहा है, तेरा हुस्नी वजह है पूरा शहर चल रहा है, मेरे साथ सिर्फ मैं और मेरा रब चल रहा है, तेरे साथ जैसे एक पूरा गांव पल रहा है, दिल जख्मी से ही बदना चोट मल रहा है, सब्र का तो शुरू से ही कोई फल रहा है। तब ये इसने रंडी तो नहीं बोल दिया, मैं जो इसे रंडी तो नहीं बोल दिया, इतना गांव पल दिल जख्मी से ही बदना चोट मल रहा है, सब्र का तो शुरू से ही कोई फल रहा है, तभी आंसू पे बैठा ये क्यों फिसल रहा है, इसी बात का तो शुरू से बस एक खल रहा है। ये कब तक ऐसे भागते मिलोगे, क्या अगली बार जागते मिलोगे, या यूं ही कभी कांपते मिलोगे, क्या सर किसी कपड़े से ढांपते मिलोगे, अब तुम चाहे मिलो या ना मिलो मुझे पता, लेकिन बड़े एहतराम से मिलोगे, तुम हो बड़े मतलब की कैदी, जब भी मिलोगे किसी काम से मिलोगे। ये पहली बात हम मिलते हैं कभी कभी, दूसरी बात ऐसे मिले जैसे अजनबी, तीसरी बात के अब बात होगी बाद में, get what you need, अपना सोचते सभी, तो तुम भी हुए मतलबी और मैं भी हुआ मतलबी, कि कैसे पूरी रात गुजारी, तेरी याद गुजारी, और तुम आए हो अभी बाप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों गाने सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आएंगे। आई डोंट नो डबल सवारी लगी है मैडम, पता है मुझे जेन्युइनली उसकी वजह, एक्चुअली मैं व्यूज भी देख लूँ, ये इन पे सबसे ज्यादा आए होंगे, मेरा जाती तौर पे मानना है। 22,000 पता होता है मुझे क्यों, क्योंकि यार लोग ना आज भी, और ये इंसान का नेचर है, मैं अपना मजाक इन चीजों पर उड़ाना कम करती है, मैंने देखा कि यार लोग ना मोहब्बत में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड और पोसेसिव है, और जाहिर बात है मैं एक मुल्क के हालात देखता हूँ तो देखता हूँ, हालांकि मैं नहीं करता, मैं इन चीज़ों पे अब यकीन नहीं करता, एक वक्त था और शायद मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो अब मेरे को ना वो चीज़ फील ही नहीं होती, अब मैं घंटू हो गया, और ये तुम लोगों ने भी हो ही जाना है एक ना एक दिन, और अच्छी बात है हो जाओगे, इससे आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, ठीक है ना। कुछ लोग ये हरकतें करते हैं, लड़कियाँ और लड़के करते हैं, खुदा का रास्ता मिल गया, खुदा करा अल्लाह ने मुझे ये जानबूझ के ठोकर दी, मतलब ही मैं मुनाफिक, तुम कभी नहीं बख्शा जाएगी या जाएगा, तो वो चीज़ है। और इस जो मतलब ही गाना था उसके अंदर जाहिर बात है माँ की बात हुई, तो वैसे ही इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स जस्ट भाई इन गानों को सुन के, और जिस तरह की व्यूवरशिप और ऑडियंस में देख रहा हो, तो हमें ये चाहिए कि जो बंदा किसी भी अफसुर्दगी में हो तो उसका सहारा बन जाना चाहिए। क्या बात है, आजकल बहन चुत आड़ में गुजरो, पूरा पूरा अच्छे लफ्ज यूज हो रहे हैं, तो खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, और जे 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 है भाई। बट मेरे लिए ये दोनों गाने टॉप पे नहीं है, मेरे लिए खैर रखा है, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा मीनिंगफुल था मेरे लिए। आपको 5-6 गाने मिले, उसमें आपको जो सा पसंद आता है वो आपके ऊपर है, बट मेरे लिए खैर रखा है। खुश रहे, आबाद रहे बाबा जी। यस कमांडो।